हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग सेल सिग्नल के ऊपर काम करने वाला है। सेल सिग्नल हम लोग मिल चुका है, सिग्नल टू सिग्नल आज काम करेंगे। आज फिल्टर को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बट वीडियो का एंड पे फिल्टर के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जो फिल्टर में भी सही में ये हमारा एंट्री प्रोवाइड किया था क्या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी सेल तो कर चुका हूँ, अभी तो फिलहाल देखिए लॉसेस में दिखाई रहे हैं। तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा ट्रेड को। हम लोग किस बेस के ऊपर ट्रेड लिया हूँ उसको पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, टारगेट भी लग चुका है, दोनों चीज़ कंटिन्यू है और हमारा फिलहाल अभी लॉसेस में दिख रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं, देखिए हम लोग सेल सिग्नल के ऊपर काम कर रहा हूँ। सेल सिग्नल हम लोगों को मिल चुका है और मार्केट थोड़ा अपसाइड जाके डाउन साइड आने का मैं ये कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाएगा उसके बाद डाउन साइड आएगा। देखिए यहाँ पर पिछले जो बाई सिग्नल मिला था उसमें बहुत अच्छा तरीके से आपको एक बेनिफिट मिला है इसी सिग्नल के ऊपर, बाई सिग्नल के ऊपर। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके मैं दूसरा सेल सिग्नल के ऊपर ट्रेड लिया हूँ। हमारा टारगेट छोटा सा टारगेट है, ज़्यादा लॉन्ग टारगेट नहीं रखेंगे आज के लिए भी। देख लेता हूँ कब तक हमारा टारगेट हिट करता है, हम लोग वेट करेंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए तो आपको समझ में आएगा। इसमें हमारा ट्रेंड नेगेटिव में चल रहा है और सेल सिग्नल मिल चुका है ट्रेंड, और इसके ऊपर काम कर रहा हूँ सेल सिग्नल के ऊपर। दूसरा कोई मैंने ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ आज, फिल्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में फ़िल्टर के ऊपर वीडियो बनाता था, फिल्टर के ऊपर ट्रेड करके दिखाता था, आज सिर्फ बाई सेल सिग्नल के ऊपर ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। देखिए फिलहाल तो मेरा पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, पॉजिटिव हो चुका है। तो हम लोग वेट करेंगे, सिर्फ देखेंगे ये कितना दूर हमारा टारगेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो टूल है ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। मैं जितना भी लाइव ट्रेड किया हूँ इसी टूल के ऊपर अभी कर रहा हूँ कंटिन्यू लाइव ट्रेड। पार्ट डे में लाइव ट्रेड डाल रहा हूँ, एनएससी में भी डाल रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट में भी मैं कंटिन्यू लाइव ट्रेड प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है ये टूल, तो बहुत ही बेहतरीन है। लॉसेस का चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है ये लॉसेस का चांसेस बहुत ही कम होता है। मैं तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। कोई भी इंडिकेटर बेचता है तो उसको सिर्फ एक ही सवाल आप कर सकते हो, मुझे लाइव ट्रेड करके दिखाइए, उसके बाद मैं समझूंगा एक्यूरेसी क्या है। तो आप देख सकते हो मेरा जितना भी है मैं पूरा लाइव ट्रेड के ऊपर ही मैं आपको समझाता हूँ, जो कैसे ट्रेड लेना चाहिए, क्यों ट्रेड लेना चाहिए, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे हमारा टारगेट हिट होता है क्या नहीं, उसके बाद बाकी का पीछे का डिटेल्स हम लोग समझेंगे। जो बैक में भी देखेंगे, बैक में जो सिग्नल मिला था उसके ऊपर क्या हम लोगों को सही में प्रॉफिट मिला था क्या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड वेट कीजिए, वॉच कीजिए फुल वीडियो को।
दोस्त लोग देख सकते हो फिलहाल मार्केट ने एक बिग कैंडल बनाया और टारगेट के आसपास आ चुका है। 3000 का प्रॉफिट, 2800 2900 का प्रॉफिट मेरे को, डॉलर का प्रॉफिट मेरे को दिखाई दे रहा है। ये 3090 डॉलर का टारगेट मैंने रखा हूँ, 3090 डॉलर मतलब 3100 डॉलर पकड़ सकते हो। जैसे टारगेट हिट करता है तो ये अभी फ़िलहाल हिट करने का, देखिए कुछ टाइम पे ये हिट करने वाला है ऐसा दिख रहा है मेरे को, और थोड़ा सा डाउन आएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, सिर्फ उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरा टारगेट हिट हो चुका है, 3090 डॉलर के हिसाब में मेरा टारगेट था, तो 3090 डॉलर प्रॉफिट हो चुका है। और इसी कैंडल पे ये जो रेड कैंडल, बिग कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, बिग कैंडल पे मेरा टारगेट को हिट कर दिया है। तो हम लोग सिग्नल टू सिग्नल भी काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं ये टूल के ऊपर। ये चीज़ को हम लोग आज पहली बार समझा, पहले जितना भी वीडियो डाला हूँ वो फिल्टर के ऊपर, ये टूल का फिल्टर के ऊपर मैंने काम करके दिखाया हूँ। आज मैं सिर्फ सिग्नल टू सिग्नल काम करके आपको दिखा रहा हूँ इसके वजह से, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलता है, सिग्नल टू सिग्नल काम करने में भी आप अच्छी तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इस टूल के जरिए। तो पीछे बैक में देखिए बाई का भी बहुत अच्छा एक हम लोगों को प्रॉफिट मिला है। बाई का भी मैंने ट्रेड लिया था, बाई का ट्रेड का मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैंने कर नहीं पाया, लेकिन ये ट्रेड का मैंने कंटिन्यू किया, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो 100% जो प्रॉफिट का रेशियो है वो पर डे का जैसा 100% ही है हमारे लिए। पर डे छोटा छोटा प्रॉफिट लेता था, आज थोड़ा लॉन्ग प्रॉफिट मैंने लिया हूँ, क्योंकि पर डे थोड़ा छोटा ही प्रॉफिट रहता था मेरा। देखिए इसका जो रेशियो मेरे को नज़र आता है ये टूल का, वो 100% ही नज़र आता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर पाते हो ये टूल को, बट मेरे ख्याल से मैं जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ इसी रूल को आप फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा पार्ट डे का ये टूल के ऊपर, ठीक है। बैक में भी हम लोग देखेंगे, बैक में भी और एक बार देख लेंगे, बैक में जो सेल सिग्नल मिला था इसके पिछले सेल सिग्नल पे कैसा प्रॉफिट हुआ है उसका भी देखेंगे। ये सेल सिग्नल पे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, हमारा ट्रेंड भी नेगेटिव था, ट्रेंड नेगेटिव था, सेल सिग्नल था, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लिया हूँ। बैक में देखिए, बैक में हमारा जो सेल सिग्नल मिला था उसमें जी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट हम लोगों को मिला है, और काफ़ी अच्छा शार्प मूवमेंट था। जैसे सिग्नल आया है शार्प मूवमेंट आप लोगों को हम लोगों को मिला है। जब भी ये सिग्नल बाय सेल सिग्नल आता है शार्प मोमेंटम हम लोगों को मिलते हैं, तो शार्प मोमेंटम मिला है और अच्छी तरीके से हम लोग प्रॉफिट बुक कर पाए। और किसी ने प्रॉफिट लो पे बुक नहीं कर पाया तो इस जगह पे देखिए आपको एग्जिट पॉइंट बता रहा है, स्क्वायर अप पॉइंट बता रहा है, यहाँ पर कलर चेंजेस हो चुका है, ठीक है। इसी जगह पे भी आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो दोनों तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक तरीका है आपका खुद के हिसाब में प्रॉफिट बुक करना। तो फ्रेंड अभी हम लोग समझेंगे फिल्टर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं ये ट्रेड लेते हैं। तो पहले देखिए सेल सिग्नल हमारा था, हमारे पास पॉजिटिव सेंटिमेंट क्या था, सेल सिग्नल था, और नीचे देखिए बिलो फिल्टर का बिलो मार्केट प्राइस चल रहा था, तो उसके बाद भी हम लोग एंट्री ले सकते थे इसी ट्रेड में, हम लोग इसी ट्रेड में उसके बाद भी एंट्री ले सकते थे और हमारा आराम से प्रॉफिट निकल जाता, क्योंकि कैंडल भी बहुत लॉन्ग कैंडल बनाया था। लॉन्ग कैंडल बनाने के बाद नीचे जा रहा है और भी डाउन साइड कैंडल बना रहा है, तो और थोड़ा डाउन जाने का चांसेस मेरे को दिखाई दे रहा है मार्केट को। ये जीबीपी यूएसडी के ऊपर काम कर रहा हूँ, पर डे जीबीपी यूएसडी के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, 100% कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।